दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसके मदद से आप अपने मोबाइल को और दूसरे के मोबाइल को, और अगर आप कहीं सेकंड हैंड मोबाइल परचेस कर रहे हैं तो उसको भी कैसे जान सकते हैं कि यह मोबाइल अच्छा है या खराब है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है यह जानना कि आप कैसे चेक कर सकते हो और कैसे जान सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या खराब हो गया है, आपका ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, या मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, तो आप यह कैसे जान सकते हो कि हमारे मोबाइल को क्या हो गया है। तो अगर आप नहीं जानते तो आप दुकान पे जाओगे और दुकान वाला आपसे 100, 200, 500 रुपये जरूर ले ही लेगा। तो आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, आज मैं बिल्कुल उसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वह यह है कि जो भाई सैमसंग का मोबाइल चला रहे हैं उनके लिए एक कोड है, *H0*H। आपको डायल पैड में जाना है, आपको यहाँ *H0*H डायल करना है। उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक एक नया फंक्शन खुलकर आ जाएगा जहाँ पे आपको सारा का सारा दिखा देगा कि आपके मोबाइल में क्या खराब है, आप वहाँ से चेक कर लेना दोस्तों। और दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो ऑल यूजर के लिए है, चाहे वो ओप्पो का मोबाइल हो, वीवो का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो आप उसमें चेक कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके नीचे यहाँ पे आपको लाइक का एक बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ से लाइक कर देना है। उसके बाद में एक लाल कलर का बटन दिखाई देगा दोस्तों, आप इसको यहाँ से दबा देना। उसके बाद में एक बेल आइकन आएगा, आप इसको भी प्रेस कर देना दोस्तों। यह बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। और दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरह के और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, बिल्कुल लाइक के बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है यहाँ पर। उसके बाद में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है फोन डॉक्टर प्लस। ध्यान रहे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, आपको यही वाली एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करनी है। उसके बाद में यहाँ से इसे ओपन कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा जहां पर आप अपने मोबाइल के बारे में एक छोटी सी छोटी भी जानकारी ले सकते हैं। तो कुछ आपको मैं बता देता हूं इसमें से। आप यहां देख सकते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में बता रहा है दोस्तों। जैसे कि बैटरी हमारी है, आपको यहां बैटरी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बैटरी पर क्लिक करेंगे, आप यहां देख सकते हैं हमारी जो है लाइलेंट की लिथियम बैटरी है, और जो है हेल्थ इसका गुड है, अभी बहुत अच्छा है। उसके बाद में हम अपना स्टोरेज चेक कर लेते हैं, आपके सामने देख सकते हैं स्टोरेज हमारा खुलकर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीपीयू कितना अच्छा दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क है, आप नेटवर्क के बारे में भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड जो है 4 MB/s है दोस्तों। उसके बाद में चलिए और मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाना है, नंबर 2 पेयर। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो आपको यहाँ से अपना टच चेक कर लेना है दोस्तों कि आपका टच बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया गया है, तो आप जैसे करेंगे वो बॉक्स गायब होता जाएगा और आपका टच जहां पर भी काम नहीं करेगा दोस्तों, वहां से ये बॉक्स गायब नहीं होगा। ध्यान दे दोस्तों, जहां आपका टच काम नहीं करेगा वहां से ये बॉक्स गायब नहीं होगा। तो देखिए हमारा टच बराबर काम कर रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ सही का मार्क मिल गया है। उसके बाद में आपको यहाँ से डिस्प्ले अपना चेक कर लेना है, आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले यहाँ से। तो आपको यहाँ से ऐसे टच करना है, आपको इस तरह से, आप इस तरह बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो है डिस्प्ले जो है बराबर नहीं है, हमें यहाँ पर कट का निशान मिला है, यानी कि हमारा जो है डिस्प्ले अच्छा नहीं है इस मोबाइल का। और हाँ, सही बात है, मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है डिस्प्ले के बारे में। उसके बाद में हम अपना दोस्तों वॉल्यूम कंट्रोलर चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का खराबी नहीं है।
तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत सी सारी चीजें हैं जो अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पीछे आएंगे तो आपके सामने सेंसर है, वायरलेस है, इनर हार्डवेयर है, आउटडोर हार्डवेयर है, यानी कि आपके सामने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप खुद अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, या जिसका मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसके मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई उल्लू बनाकर नहीं जा सकता, या आपका जो है पैसा फोकट का नहीं जा सकता, दुकान वाला आपको भी उल्लू नहीं बना सकता। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे मोबाइल को प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।